सुमावली नगर से नवीन ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन रोड पर पशु अस्पताल, हरिजन छात्रावास, गंगा रामपुरा आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा स्टेशन का मुख्य मार्ग है। इस रोड से रात दिन सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है। इस रोड में अंडरब्रिज पुल से लेकर स्टेशन तक मार्ग में गड्ढे, गिट्टी, कीचड़ से राहगीर मजबूरन निकलना पड़ता है। गड्ढों में बारिश व नालियों का गंदा पानी रोड पर बह रहा है, जिसमें निकलने वाले महिला पुरुष बच्चे गिर रहे हैं। दोपहिया वाहन ई रिक्शा पलट जाते हैं, यात्री चोटिल हो गए हैं। आंगनबाड़ी में आने वाले 40 से 50 छोटे बच्चे कीचड़ की वजह से नहीं आ रहे हैं। कुछ बच्चे 15 फीट ऊंची रेल ट्रैक से चढ़कर आते हैं। बीमार पशु अस्पताल आने में परेशानी उठानी पड़ती है। आंगनबाड़ी, हरिजन छात्रावास, पशु अस्पताल गंगारामपुरा पर ट्रांसफार्मर फूंक जाने से 6 माह से बंद लाइट नहीं है और ना ही पीने का पानी। नरकीय जीवन जी रहे हैं। स्टेशन निर्माण कार्य के लिए मार्ग से निकले ट्रक डंपरों से नाली क्षतिग्रस्त होने पर पंचायत ने पुनः नाली बनाने के नाम पर ठेकेदार से बड़ी रकम लेने के बाद भी सरपंच ने नाली निर्माण नहीं कराया। आप क्या हैं? सहायिका। बच्चे कैसे आते हैं आपके यहाँ पे? सर, रेलवे स्टेशन के यहाँ और आते हैं ना, रेलवे रास्ता से, वहाँ कीचड़ है तो वहाँ से बच्चे आते भी है, कभी गिर जाते हैं और कभी बच्चे वापस भी हो जाते हैं कीचड़ देख के। तो फिर आप कीचड़ में से बच्चों को कहाँ निकालते हो? सर, कभी कभी बच्चों को ट्रेन से ऊपर 15 फुट होकर नीचे लेके आना पड़ता है। ट्रेन का जो साइड से जो ऊंचाई है उससे 15 फुट की ऊंचाई पे चढ़ के उत्तर की साइड से चढ़ते हैं, फिर उत्तर की साइड उतारते भी है बच्चों को। तो 15 फीट की रोजाना अप डाउन करना पड़ता है आपको? 15 फुट की रोजाना, इससे तो बड़ी दिक्कत आती होगी। दिक्कत तो है सर, कोई सुनवाई करे जब तो। रेलवे ट्रैक को पार करके लाना पड़ते हैं बच्चे। हाँ सर। आप क्या यहीं रहते हैं क्या? यहीं रहते हैं भैया। क्या नाम है आपका? सतराम। सतराम जी, ये जो नाला सड़क पे जो नाला टूटा फूटा पड़ा है और ये आम रास्ते पे जितना पानी भरा है, इस पानी को लेकर आपका क्या कहना है? हमको ये कहना है कि हमारा नाला साफ हो जाए। नाला साफ हो जाए? हाँ। लेकिन इस रास्ते से परेशानियाँ कितनी आ रही कुछ पता होगा? परेशानी तो देखना है, बहुत आ रही है। मुझे मोटरसाइकिल देखा रपट जाते हैं, टमटम वाले तब फिसल जाते हैं। मतलब टमटम वाले जो निकलते हैं बच्चे, निकल बच्चे कहाँ के निकलते हैं? इसी रास्ता से। कहाँ जाते हैं बच्चे? स्कूल में। स्कूल में? इधर स्कूल है क्या? इधर छात्रावास है। छात्रावास है, और क्या है? आंगनबाड़ी भी है। आंगन यानी आंगनबाड़ी और छात्रावास के बच्चे रोजाना इसमें गिरते हैं। और क्या, सवारियाँ निकल जाती हैं? सवारी भी गिरती है। तो क्या आपने देखा है कभी बड़ा हादसा होते हुए किसी को गिरते हैं? मैंने कुछ हाथों उठाए, कई बार घायल हुए हैं। आप लोगों ने उठाया? मैंने उठवाए। तो पंचायत या ठेकेदार से कभी इससे संबंधित किसी व्यक्ति से बोला है आपने? बोला तो बोले करवाते हैं, कौन है करवा दो भाई। बोला है लेकिन कोई सुनवाई? बात करिए तो सरपंच कहता है कि वो ये जो नाले में बच्चे, कितने छोटे बच्चे निकलते होंगे? आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और उसमें इसमें रोजाना उनका रोजाना। अच्छा अच्छा, तो निकल जाते हैं वो लोग? निकलते हैं, गिर पड़ते हैं, बड़ी परेशानी है। ठीक ठीक भाई, ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग आप रोजाना इसी तरह निकलते हैं? इसमें निकल रहे हैं हम तो, बच्चा परेशान है रहे हैं छात्रावास वाले के लिए। इधर इस रोड पे क्या क्या पड़ता है? आंगनबाड़ी पड़ती है, छात्रावास, स्टेशन गंगाराम का पुरा, मतलब एक पुरा भी है, रेलवे स्टेशन भी है। रोजाना की बात है, सैकड़ों लोग निकलते हैं, सैकड़ों लोग। और आंगनबाड़ी के परेशान हो रहे हैं, हम भी, तुम भी परेशान हो रहे हैं। आंगनबाड़ी पे तो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे निकल ही नहीं पाते हैं, पटरी पे होकर निकाल के ले जाते हैं। रेल की पटरियों पे होकर निकलना पड़ता है? निकलना पड़ता है। यानी इस रास्ते में पानी भरा होने से बहुत ज्यादा पानी, अब तो कम हुआ है, वो 4-5-8 बस होना था। अच्छा, थोड़ा सा कम हो गया है। हाँ। बाकी जो है ना रास्ता मार्ग, इस पर पशु अस्पताल भी है? कम से कम मोटी मोटी जाना पानी है, पशु अस्पताल है, डॉक्टर आए हुए परेशान होते हैं। मतलब पशु अस्पताल के जो ना मरीज और डॉक्टर दोनों परेशान, अब सिलावट है, परेशान होते हैं वे लोग, बच्चा परेशान, गाड़ी की सवारी निकलती है वो परेशान होती है, लौट लौट के बात की जाती है। और आंगनबाड़ी स्टाफ आ जाता है? आंगनबाड़ी तो जाना पढ़ाने जाते हैं। आते कैसे इसमें से? पटरी पे होके, मतलब बच्चे और जो पढ़ाने वाली जो कार्यकर्ता है, रेल की पटरियों से होके पटरी पे हो जाते हैं। इतनी ऊंचाई से? इतनी ऊंचाई से। और ये जो नाला टूटा पड़ा है, ये कब टूटा? रेलवे का जो सामान आया गया लोडिंग वाहन रेलवे का जो काम चला था उस समय ये नाला फूट गया, सरपंच द्वारा बनाया गया। एक एक खंडा लगा, मैंने कही तो बिना मानी नहीं, बोले वो सही बन रहा है, अब खंडन के लोड़ थे, फूट गया, अब लोहे के वजन थे। तो रेलवे के ठेकेदार से कुछ बोला आपने या पंचायत ने? नहीं बोला, सरपंच ने कही होगी तो 2 खंडा की ट्रॉली डली है आज भी, और कुछ पैसे पहुंच गए पंचायत में, ठेकेदार पे थे। रेलवे के ठेकेदार द्वारा? रेलवे के जो पत्थर पड़े हुए वो किसने, पंचायत ने डाले? पंचायत ने नहीं मंगवाए, पंचायत द्वारा, तो लेकिन पैसा उससे आए थे, पैसे रेलवे वाले दे के चले गए थे।
इस नाले के मेंटेनेंस के लिए, लेकिन मेंटेनेंस आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ है। लगभग कितना समय बीत गया होगा? कम से कम एक साल हो गई। एक साल यानी दूसरे